सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड साहब ने दिया एक बहुत बड़ा आदेश, सांसद विधायकों पर होगा बड़ा असर। अब मोदी क्या करेंगे या भाजपा क्या करेगी या कांग्रेस क्या करेगी या तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो क्या करेंगे, बड़ा सवाल, क्योंकि आदेश उनसे ही संबंधित है। आप लोग देख रहे हैं कि सीजीआई साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हालांकि नवंबर में उनका जो कार्यकाल है वो समाप्ति की तरफ है, तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ उनको नए जस्टिस, चीफ जस्टिस भी मिलने वाले हैं नवंबर में, ये अलग विषय है। आपने ईडी की कार्यवाहियाँ देखी, इसके बाद सीजीआई चंद्रचूड़ साहब के आपने उन पर आदेश देखे। 2024 का चुनाव आप लोग देख रहे हैं, 2024 का चुनाव काउंटडाउन शुरू हो चुका है, किसी भी क्षण जो है उसकी घोषणा हो सकती है औपचारिक। हालांकि राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी करना शुरू कर दिया है। ऐसे में आपको याद होगा चंडीगढ़ का मेयर चुनाव, चंडीगढ़ का जो मेयर चुनाव था वहाँ किस तरीके की धांधली हुई, वहाँ किस तरीके से जो वोट थे उनको कैंसिल किया एक चुनाव अधिकारी ने, सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान में मामला आया, सीजीआई साहब ने तलब किया, खुद इस मामले को सुना। जब इस मामले को सुना सीजीआई साहब ने तो कुलदीप कुमार जो आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी थे मेयर के, उनकी याचिका जो थी उस पर उसको सुना। उसके बाद जो कुछ हुआ सब पूरे देश ने देखा, चुनाव अधिकारी पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। चुनाव को जो गलती से क्या कहेंगे, साजिश के तहत जो भाजपा के जो कैंडिडेट थे उनको जो जबरन जिताया गया था आम आदमी पार्टी को हरा कर, आम आदमी पार्टी को दोबारा से उन्होंने वास्तविक रूप से जो मेयर थे उनको मेयर बनाया, तो बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला। और ये भी देखने को मिला कि किस तरीके से देश में जो माहौल है वो क्या चल रहा है। एक तरफ आपने देखा कि कुछ राजनीतिक दल हैं जो अलग तरीके से काम करते हैं, धर्म और जाति के नाम पर जो प्रचार करते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। फिलहाल जो मामला है वो बिल्कुल अलग है। तमाम लोग जो पीड़ित रहते हैं समाज में, उनका कहीं ना कहीं रहता है कि हमने जो विधायक और सांसद जो चुने उनको जो वोट दिया, उस वोट के बदले जब हमें ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, हमारी बात को सुना नहीं, माना नहीं, हमारी मदद नहीं की, जबकि वो संवैधानिक पद पर थे, अगर वो चाहते तो मदद हो सकती थी। इसी चीज़ को लेकर के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की, और जनहित याचिका उन्होंने जो दाखिल की वो ऐसी जनहित याचिका उन्होंने दाखिल की जिसमें सांसद जो और विधायक जो हैं उनकी जो मॉनिटरिंग है, उनकी जो निगरानी है, उसको डिजिटल तरीके से उनकी निगरानी करने के लिए एक याचिका उन्होंने दाखिल की। इंद्रनाथ कुंद्रा नामक व्यक्ति ने ये PIL दायर की है। उन्होंने कहा है कि विधायक सांसद जनता के पैसे से वेतन पाते हैं लेकिन वह खुद को राजा समझते हैं, जनता की परेशानी बात नहीं सुनते हैं। इस पर CGI साहब ने सख्त रुख अख्तियार किया और CGI साहब ने कहा कि आप सभी के ऊपर एक तरह से आरोप नहीं लगा सकते, लोकतंत्र में निर्वाचित सदस्य जो हैं वो कानून बनाते हैं, यहाँ कोई नागरिक कानून नहीं बना सकता, जो देश की व्यवस्था है वो ऐसी ही है। आप क्या चाहते हैं कि हम सांसद विधायकों पर चिप लगा दें, CGI साहब ने सवाल किया। फिर आगे उन्होंने इसका जवाब भी दिया कि ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ है, संविधान का आर्टिकल 21 लाइफ एंड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जीवन जीने की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो उनके लिए भी है, उनकी भी जो प्राइवेसी है उनका अधिकार उन पर सुरक्षित है। आप ऐसी जो याचिका आपने लगाई है इसको लेकर आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल आप पर जुर्माना ना लगा के आपकी इस याचिका को, आपकी इस PIL को हम खारिज कर रहे हैं और आपको आगाह करते हैं कि भविष्य में कभी भी इस तरीके की याचिका आप ना लगाएं, वरना आपके ऊपर कॉस्ट भी की जा सकती है, यानी कि जुर्माना भी आप पर लगाया जा सकता है। तो आप देखिए किस तरीके की याचिकाएं जो हैं सुप्रीम कोर्ट कभी कभी पहुंच जाती हैं। डिजिटल निगरानी मॉनिटरिंग करने के लिए याचिका दाखिल होती है, उस याचिका पर CGI खुद उसको सुनते हैं और जो आदेश जारी करते हैं कि हम उनकी भी प्राइवेसी, भाई बात तो बिल्कुल जायज़ कही CGI साहब ने, उनकी भी प्राइवेसी है, आर्टिकल 21 की जो भी चीज़ें हैं वो सब उनको भी मिली हैं, आम जन को भी मिली हैं, उनका आर्टिकल 21 का वायलेशन जो है वो कैसे हो सकता है और वो क्या कर रहे हैं, इसकी डिजिटल मॉनिटरिंग यानी कि उन पर चिप लगाने जैसा जो काम है वो भी कैसे हो सकता है। तो CGI साहब ने कहा इस पर शब्दों में कि आपकी याचिका खारिज कर रहे हैं बिना जुर्माने के, लेकिन दोबारा ऐसी याचिका न लाएं, भविष्य में आपको आगाह किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा एक आदेश है, बहुत अच्छा इसका असर पड़ेगा आने वाले जो देश का भविष्य है वहाँ पर भी। फिलहाल इस आदेश के लिए CGI साहब को धन्यवाद, जो इस तरीके के आदेश वो जारी करते रहते हैं जिससे आमजन में एक विषय बना रहता है, जागरूकता बनी रहती है कि CGI साहब क्या करने वाले हैं, लगातार बेहतरीन फैसलों के लिए वो जाने जाते हैं और हम जैसे लोग जो लीगल प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन CGI साहब से, हम रोज़ उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट पर, वीडियो को फॉरवर्ड करना ना भूलें, शेयर करें दोस्तों के साथ, इसके अलावा आप लोग हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे दोनों यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, उनके सबके लिंक जो हैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।